हेलो दोस्तों, यह देखिए दो दिन में बारिश का कमाल, चारों ओर पानी पानी का नज़ारा। लग रहा है कि बाढ़ आ ही गया है। पूरे चौर में भयंकर पानी का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। सोचिए कितना बारिश हुआ होगा जो कि इतना पानी आ गया है। यहाँ से बिल्कुल फ्रेश दिखेगा, देखिए पूरे यह रोड का सीमा है और यहाँ से देखिए पूरे दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आएगा। और इधर पोखरा है और पोखरा भी भर चुका है पानी से। यह सड़क है और सड़क के इस साइड भी देखिए पूरा पानी पानी ही नज़र आएगा। बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है। और देखिए वहाँ पे SH-74 है जो कि हर राज्य को जाती है। देखिए पूरा इस चौर में पूरा पानी ही पानी है। और देखिए और सड़क टूटे हुए हैं, इस पर न तो जनप्रतिनिधि का ध्यान है और न ही सरकार का। केवल वोट मांगने आते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, चारों तरफ पानी ही पानी। और यह पानी बरसात के कारण हुई है और इधर से पानी निकलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि चिमनी है, चिमनी खुलने के कारण यहाँ का रास्ता बंद हो चुका है। इसलिए यहाँ का पानी कहीं नहीं निकलता है, जम जाता है और यहाँ पे फसल नहीं उगता बरसात के दिनों में। बस एक ही फसल होता है और वह है गेहूँ का फसल, धान का फसल बर्बाद हो जाती है। ध्यान से देखिए और इस सुंदर एवं खुशनुमा नज़ारा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।